हेलो एवरीवन सो वेलकम बैक अनदर वीडियो सो गाइस आप सब हैरान हो चुके होंगे सर आपने वीडियो के थंबनेल पे तो लिखा हुआ बाय रेवा मैम लेकिन इधर तो आपकी आवाज आ रही है तो सिंपली ना मैं आपकी दो मिनट इधर लूंगा इधर आपसे कोई बातचीत करने आया हूँ प्रॉपरली हमारी अब आगे क्या स्ट्रैटेजी जाने वाली वो चीज हम इधर डिस्कस करने वाले हैं देखो गायस बात करते हैं लास्ट फ्यू मंथ से जो इधर जे एंड के का सिनेरियो बना हुआ है लास्ट फ्यू मंथ से कोई एग्जाम हो नहीं रहा था सब कुछ कोर्ट केस चलते जा था लेकिन अब आपने ये चीज नोटिस की होगी कुछ हद तक कुछ चीजें सही होती दिख रही हैं एग्जाम्स होना थोड़े से स्टार्ट हो चुके हैं अभी थोड़े थोड़े जो इन्होंने जूनियर असिस्टेंट का जो आपका एग्जाम लिया और भी जो फर्दर एग्जाम्स इन्होंने ले रहे हैं और आगे भी हो भी रहे हैं तो चांसेस है कि आपको बहुत जल्द जो आपके मेजर एग्जाम्स है लाइकवाइज यूर वीएलडब्ल्यू फाइनेंस अकाउंट उसकी एग्जाम डेट आपको दिखते हुए मिले तो गाइज उसके लिए आपका प्रॉपरली रिदम वापस लाने के लिए हम अब प्रॉपरली सीरीज स्टार्ट करने वाले इधर प्रॉपरली लेक्चर स्टार्ट करने वाले मेरे भी अब लेक्चर आने वाले बड़े मैसेज आते थे कि सर आपकी बड़ी देर से लेक्चर्स नहीं आए आप प्रोवाइड नहीं करें कोई लेक्चर देखो सीने कुछ ऐसा बन चुका था कि लेक्चर बनाने का भी मन नहीं करता था लेकिन अब प्रॉपरली हमारे हमारी टीम से प्रॉपरली ट्राई रहेगी कि आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए देखो बात करें हम पढ़ सब कुछ चुके हैं हमने नोट सारे प्रॉपरली बनाए हुए हैं अब हमें रिविजन की जरूरत है ठीक है एग्जाम हमारे ऊपर एक तरह से जो बाकी सब एस्टिडेंट होंगे जिन्होंने तैयारी नहीं की होगी उनसे अपर एंड होगा कि हमने थोड़ा सा रिदम पकड़ चुके होंगे तो इसलिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं रेवा मैम भी आपके साथ रोज के रोज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे आपको बता दिया जाएगा कि आपका इस टॉपिक का टेस्ट है तो रेवा मैम उधर डिस्कस कर लेंगे तो आज का हमारा टॉपिक जाने वाला है डेट इॉप एमसीक्यू ऑन इन्वॉर्मेंट इकोलॉजी एंड बायोलॉजी और मैं गारंटी से कहता हूँ वाले ना ये आपको और किसी भी चैनल पर इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे मैम ने बड़ी

हे hey गाइस कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सो so, आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एम लेंगे टॉपिक वाइज़ जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कहा जा रहा है कि जेके एस एस जो है जल्दी ही एग्जाम्स कंडक्ट करेगी तो उससे पहले आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए और उसी के नज़र रखते हुए ये मैं लेक्चर आपके लिए लेके आई हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को क्वेश्चन नंबर वन के साथ क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बायोमास रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम ठीक है तो इनमें से क्या डिफाइन करता है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में रिलेशनशिप किसका रिलेशनशिप बायोमास का रिलेशनशिप ओके okay? तो फूड चेन सभी को पता है फूड वैब सभी को पता है ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ आपके जो भी नोट्स हैं आप उनको रिवाइज़ कीजिए पहले आप देख लीजिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि मुझे रिवाइज़ की जरूरत है आप रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए तो ठीक है तो टॉपिक लेवल एक डिफरेंट चीज़ है फूड वेब क्या है जब बड़ी सारी फूड चेन्स कनेक्ट हो जाती है तो फूड वेब बन जाता है ठीक है फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को आता है ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्रास की बात कर ले ग्रास को कौन खाएगा गोट खाएगी गोट को कौन खाएगा टाइगर खा लेगा ठीक है इस तरह से फूड चेन बनती है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा इसका आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। एक पेन पेपर ले लीजिए और वहाँ पे देखिए आप सिक्सटी एम सी क्यूज़ में आपके कितने जो है करेक्ट आंसर आते हैं बिना प्रिपरेशन के ओके सो so चलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ द इकोलॉजिकल पिरामिड ओके ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन हेयर क्वेश्चन नंबर टू इज़ ऑन योर स्क्रीन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडावर्सिटी इन इंडिया ठीक है हॉटस्पॉट क्या हो गया कि जहाँ पे बड़ी सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है सो so, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा ईस्टर्न घाट अरावली हिल्स वेस्टर्न घाट या इंडो गैंगेटिक प्लेन सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मैं फटाफट से आंसर मार्क करूंगी और आप भी अपने आंसर मार्क कर लीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी हम ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें ठीक है यही कुछ एक्सप्लेनेशन है ये आप पढ़ लीजिएगा पी में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लेट्स लर्न टुगेदर पे भी दे दूंगी और सर को भी मैं सेंड कर दूंगी कि वो आपको सेंड कर दे ठीक है और इसके पहले की जितने भी पी हैं जो जूनियर असिस्टेंट के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी मिल जाएगी सर को भी मैं सेंड करती हूँ वहाँ से भी आप ले सकते हो ओके चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पे है तो कोरल रीफ्स आ द मरीन काउंटर पार्ट्स आप ठीक है तो कोरल रीफ्स किसका काउंटर पार्ट है ऑप्शन ए है टेम्परेट फॉरेस्ट बी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सी है सवाना सियान डी है स्क्रब लैंड सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी दैट इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्वेश्चन नंबर फोर ऑन योर स्क्रीन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया ठीक है तो इनमें से क्या जो है वो थ्रेट हो सकता है बायोडाइवर्सिटी का एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ठीक है तो ग्लोबल वार्मिंग तो सभी को पता है ये तो थ्रेट हो ही सकती है ये करेक्ट हो जाएगा फ्रैगमेंटेशन ऑफ़ द हैबिटेट वेरी इंपॉर्टेंट इसकी वजह से भी बायोडावेस्टी लॉस हो जाएगा क्योंकि जो भी ऑर्गनिज्म जिस प्लेस पर रह रहा है अगर हम उसकी हैबिटेट को जहाँ पर वो रह रहा है उसको ही हम फ्रैगमेंट कर देंगे उसको ही ख़राब कर देंगे तो वो वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर पाएगा तो ये भी ऑप्शन हो जाता है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज़ ठीक है अगर कोई बाहर की ऐसी स्पीशीज़ आ जाए जो वहाँ पर जो नेटिव स्पीशीज़ हैं उनको हार्म करने लगे तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन फोर यहाँ पे गलत हो जाएगा सो ऑप्शन वन टू थ्री वन टू थ्री कहाँ पे है ऑप्शन सी में है सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आई होप आपने सही मार्क किया होगा क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पे है फटाफट से लगाएंगे आंसर और ये बहुत ही ईजी सवाल है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया पहला नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का तो ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे ऑप्शन ए है बहुत कुछ ईजी सवाल भी मैंने रखे हैं और कुछ मॉडरेट है और कुछ डिफिकल्ट में भी आप डाल सकते हैं जिस तरह का पेपर आता है ओके सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन हेयर क्वेश्चन नंबर सिक्स इज ऑन योर स्क्रीन दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर द इन सिटू मैथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा ठीक है फ्लोरा आपको पता है प्लांट्स के बारे में बता, बात हो रही है ठीक है सो so, इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा कौन सी साइट नहीं है इन सिटू मैथड ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा की तो so, वो है ऑप्शन ए दैट इज द बोटेनिकल गार्डन क्वेश्चन नंबर सेवन विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट मेजरली कम्प्राइज ऑफ द लाइकन्स एंड मॉसिस ठीक है तो कौन से टाइप की फॉरेस्ट में लाइक और मॉसिस आपको मिलेंगे देखो डेजर्ट में कहाँ आपको लाइकन और मॉसिस मिलने वाले हैं और ट्रॉपिकल वेजिटेशन में तो बड़े ज़्यादा ट्रीज होंगे बड़े बड़े ट्रीज होंगे सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा टुंडरा वेजिटेशन वेजिटेशन में ये आपको मिल जाएगी चलिए क्वेश्चन नंबर एट आपकी स्क्रीन पर है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट इको सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ठीक है तो सबसे बड़ा इको सिस्टम आप मुझे बताओ पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है क्या लैंड है कि वाटर है ठीक है तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो जगह कहते हैं वो है ओशंस सो so, ओशन ही है जो सबसे बड़ा इको है वर्ल्ड में ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन हेयर क्वेश्चन नंबर नाइन इज ऑन योर स्क्रीन दैट सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस ठीक है कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं सेंटर पूछ लिए जाते हैं तो इकोलॉजिकल साइंस के लिए जो, जो सेंटर है वो है हमारा बेंगलुरु में कर्नाटका में ऑप्शन फोर ओके विच आव द फॉलोविंग इज द मोस्ट स्टेबल इको सिस्टम तो सबसे स्टेबल इको सिस्टम कौन सा है देखो माउंटेन्स में भी कहीं ना कहीं चेंज आते रहते हैं डेजर्ट की बात करें वहाँ पर भी चेंज देखने को मिलता है फॉरेस्ट में कभी जंगल में आग लग जाती है नए ट्रीज़ आते रहते हैं लीव्स uh, जो हैं वो शेड रहते हैं शेड होते रहते हैं स्प्रिंग हो चाहे ऑटम हो तो अलग अलग तरह के जो ट्रीज़ है वो अपना बिहेवियर चेंज करते रहते हैं बिहेवियर बोल रही हूँ पैटर्न चेंज करते रहते हैं मगर ऑप्शन डी ओशन जो है काफ़ी हद तक स्टेबल रहते हैं ओशन में इतना ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलती है ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी तक हम क्वेश्चन टेन कर चुके हैं टेंथ क्वेश्चन में आपके कितना करेक्ट हुए हैं आप देख लीजिए और लास्ट में आपने कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर बताना है ओके क्वेश्चन नंबर इलेवन इन बायोलॉजिकल टर्म्स द टैश इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट एंड अदर इज़ अनअफेक्टेड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में तो कौन सा रिलेशनशिप हुआ जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक रिलेशनशिप में है मगर एक तो बेनिफिट हो रहा है उससे मगर दूसरा अनएफेक्टेड है मतलब ना ही उसको लॉस हो रहा है और ना ही बेनिफिट हो रहा है ठीक है तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व मगर अगर हम आमतौर पर रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पे दोनों को बेनिफिट होना ज़रूरी है वरना वो रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलता ठीक है सो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे चलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइन एज इट पासिस फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल ठीक है to सबको पता है टेन परसेंट इनर्जी ला तो ये वाला जो कि फ़्लो ऑफ एनर्जी जो एनर्जी का फ्लो होता है जब एक ट्रॉपिक लेवल से फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर से प्राइमरी uh, कंज्यूमर पे जा रहा है प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर पे जा रहा है सो so केवल थोड़ी एनर्जी केवल टेन परसेंट इनर्जी ही ट्रांसफर होती है तो ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है ठीक है कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है लगाइए आंसर सो इट इज ऑप्शन बी दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ठीक है एक्सप्लेनेशन लिखिए आप पी डी एफ से पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज ऑन योर स्क्रीन दैट द टेन परसेंट लॉ ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर इन इन्हें फूड चेन इज गिवन बनवाएं ठीक है तो टेन परसेंट का जो लॉ था कि एक टॉपिक लेवल से दूसरी टॉपिक लेवल पे सिर्फ दस परसेंट ही एनर्जी ट्रांसफर होगी ये किसने दिया था ये दिया था ऑप्शन डी लिंड मन ने ओके क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज आने और स्क्रीन दैट इन ए फूड चेन मैन इज है ठीक एक फूड चेन में मैन क्या है क्या वो प्रोड्यूसर है प्राइमरी कंज्यूमर है सेकेंडरी कंज्यूमर है ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर है देखो प्रोड्यूसर तो हो नहीं सकता बिकॉज प्रोड्यूसर आउट ट्राफ्स होते हैं ठीक है ग्रीन प्लांट्स होते हैं ठीक है प्रोड्यूसर है नहीं प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है ठीक है प्राइमरी कंज्यूमर जब वो प्लांट्स के डिराइव्ड प्रोडक्ट खाएगा सिर्फ और सेकेंडरी कंज्यूमर तब जब वो कोई मांस मछली खा लेगा है ना कहानी वो उसकी तरह एक्ट करने लगेगा तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी है ओके सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल डॉली वाज है ठीक है जो पहला क्लोन्ड एनिमल था जिसका नाम था डॉली वो क्या था ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पहले क्लोन्ड एनिमल का नाम क्या था तो वो डॉली हो जाएगा और ये क्या था एक शीप था शीप थी ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कंसीडर द फॉलोइंग ब्लैक नेक्ड क्रेन चीता फ्लाइंग स्क्यूअल एंड स्नो लेपर्ड सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरली फाउंड इन द इंडिया ठीक है तो कुदरती इंडिया में जो पाए जाते हैं वो कौन से ब्लैक नेक क्रेन सबको पता है हमारे इंडिया में पाया जाता है चीता कहाँ पाया जाता है चीता तो हमने इम्पोर्ट किया था ना साउथ अफ्रीका नाम्बिया वगैरह से तो ऑप्शन टू यहाँ से इलिमिनेट कर देते हैं ऑप्शन टू कहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पर भी दिख रहा है यहाँ पर भी दिख रहा है यहाँ पर भी दिख रहा है तो ऑप्शन बी वन थ्री एंड फोर आर नेचुरली फाउंड इन द इंडिया ओके ऑप्शन बी करेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द लार्जेस्ट इको सिस्टम ऑफ द अर्थ सबसे बड़ा इको सिस्टम अर्थ का क्या है बायोम है हाइड्रोस्पेयर है लिथोस्पियर है या बायोस्पेयर है ठीक है सो ऑप्शन डी यहाँ पे बायस फेयर हो जाएगा ओके क्वेश्चन नंबर एटीन आन योर स्क्रीन दैट द होल ओवर अंटार्टिका वाज डिस्कवर्ड इन अजोन होल अंटार्क्टिका में कब डिस्कवर हुआ था नाइनटीन सेवनटी फाइव नाइनटीन एटी फाइव नाइनटीन सेवनटी एट या नाइनटीन एटी सेवन सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है नाइनटीन एटी फाइव चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे द मैथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट द डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द दॉयल फ्रॉम रेन वाश इज कार्ड ठीक है तो सॉइल कंजर्वेशन का ये मैथर है जिसमें क्या किया जाता है क्रॉप्स को अल्टरनेट रोज में सो किया जाता है ताकि हम सॉइल को बचा सकें रेन की मतलब जो बारिश आती है ना उससे सॉइल इरोजन हो जाता है तो उससे बचाने के लिए इसको क्या बोलेंगे हम ऑप्शन बी इंटर बोलेंगे ओके द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज ऑन योर स्क्रीन दैट रेडियंट एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन कि ठीक है जो अर्थ को सन से एनर्जी मिलती है उसको क्या बोलते हैं रेडिएशन बोलते हैं इंसोलेशन बोलते हैं रिफ्लेक्शन बोलते हैं या रिफ्रैक्शन देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा उसको बोलते हैं इंसोलेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ऑन योर स्क्रीन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अजोन अजोन के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है सो so, पहली स्टेटमेंट है द दोन इन द टॉपोस्फेयर कैन रीच टू स्टेटोसफेयर एंड डिप्लीट द जोन लेर बोलते हैं कि जो टॉपोस्फेयर में अजोन होती है ना वो एज ए पोल्यूटेंट एक्ट करती है ठीक है बोलता है कि ये जो टॉपोस्फेयर की अ जोन है वो स्टेटोसफेयर में रीच करती है और डिप्लीट करती है अजोन लेयर को ये स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन ऑप्शन टू है जो स्टेटोसफेयर अजोन इज कॉल्ड गुड जोन बिल्कुल सही स्टेटोस्फेयर जोन को हम गुड जोन ही बोलते हैं बिकॉज वो हमें यू रे से बचाती है ओके सो ऑप्शन टू तो सही है पहला वाला सही है कि नहीं ये आप मुझे बताओ टू तो बिल्कुल सही है और कहीं भी नहीं लिखा है कि फर्स्ट और सेकेंड दो दोनों सही हैं ठीक है सो so, हम ऑप्शन टू के साथ जाएंगे और वैसे भी जो टॉपोस्फेयर होती है मतलब अजोन जो टॉपोस्फेयर में होती है वो स्टेटोस्फेयर में रीच नहीं करती है ठीक है और अजोन लेयर को डिप्लेन नहीं करती है ये ऑप्शन वन जो है वो गलत है सो so, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बचेगा ऑप्शन बी दैट इज़ ओनली टू इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ऑन योर स्क्रीन दैट विच ऑफ़ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट कम अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है तो इनमें से कौन सा एक्सपेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आता है लीडिंग ए प्रमिटिव लाइफ कि पुराने जैसे हम जीते थे वैसी लाइफ सो एज टू इंश्योर मिनिमल हार्म टू इन्वायरमेंट मतलब जैसे हम आदिवासियों की तरह पहले रहते थे वैसे रहना शुरू कर दो ताकि इन्वायरमेंट को हार्म ना हो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है बिल्कुल नहीं ऑप्शन वन यहाँ पे गलत हो जाएगा इंश्योरिंग द अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ टिम्बर वुड बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई फोर्स देखो अनरिस्ट्रिक्टेड कि कोई रोक ही नहीं है जितनी मर्जी आप वुड काट लो जितना मर्जी डिमांड आ रहा है सप्लाई आ रहा है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये सस् ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होता सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम भी यूज़ करें मगर ऐसे यूज़ करें कि वो आने वाले फ्यूचर के लिए भी बच जाए ठीक है ऐसा नहीं है कि प्रिवेटिव लाइफ जीने लगेंगे और ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी मन मर्जी से जितना चाहे उतना वुड कट कर लें या इन्वायरमेंट को हार्म कर दें ठीक है ऐसा भी नहीं होगा रेगुलेटिंग बट नॉट बैंडिंग द ट्रेड इन दाइल लाइफ रेगुलेट कर सकते हैं ठीक है बैनिंग की वजह रेगुलेट कर सकते हैं ये थोड़ा ऑप्शन सही लग रहा है तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन थ्री ही लगा सकते हैं बिकॉज बाकी जो पहली दो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है ठीक है ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे इस तरह से आपने क्वेश्चन देख के आंसर मार्क करना होता है कई बार जो सही आंसर होता है वो नहीं दिया होता है मगर रिलेटेड आंसर आपको मार्क करना होता है ठीक है सो विच आर द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड कौन कौन सी टाइप होती है इकोलॉजिकल पिरामिड की ठीक है सो पिरामिड ऑफ नंबर होता है बायोमास होता है एनर्जी और प्रोडक्टिवे पिरामिड ऑफ स्पीशीज ठीक है तो so, आपने ये तीन तरह के जो पिरामिड है वो पक्का पड़े होंगे मगर ऑप्शन फोर जो पिरामिड ऑफ स्पीशीज दिया हुआ है ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा सो ऑप्शन फोर गलत हो जाएगा तो इसमें जो जहाँ पे भी आपको ऑप्शन फोर दिख रहा है उसको क्रॉस कर दो और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वन टू थ्री इज़ द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ऑन योर स्क्रीन दैट द स्टॉक होम कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग ठीक है जो स्टॉक होम कन्वेंशन थी वो किसके रिलेटेड थी हजारडस वेस्ट के परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के पेस्टिसाइड के इंसेक्टिसाइड के ठीक है सो इसका जो सही रहेगा वो रहेगा आई थिंक uh, क्या रहेगा सही ऑप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो so, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ऑन योर स्क्रीन दैट दिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट सेडिमेंट्री साइकिल्स आर कंसीडर टू बी द परफेक्ट न्यूट्रियन साइकिल क्या सेडिमेंट्री साइकिल जो फॉस्फरस वगैरह होते हैं वो परफेक्ट न्यूट्रिन साइकिल माना जाता है उनको या गैश साइकिल इज ए इम परफेक्ट न्यूट्रिन साइकिल ठीक है सो so, ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट है सो so, ना ही फर्स्ट करेक्टर हो ना ही सेकेंड करेक्ट है विकास गैशे साइकिल को परफेक्ट न्यूट्रन साइकिल कहा जाता है और यहाँ पे उल्टा उल्टा लिखा हुआ है ठीक है ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है गैश साइकिल इज ए परफेक्ट न्यूट्रन साइकिल ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सी सिक्स पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ऑन योर स्क्रीन दैट सक्सेशन इज करेक्टराइज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ठीक है तो सक्सेशन जो है कौन कौन से उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पहली बात बोल रहा है कि प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है इसमें और सेकंड बोल रहा है कि द शिफ्ट ऑफ न्यूट्रन्स फ्रॉम द रिजर्वायर कि जो भी रिजर्वायर हैं उससे न्यूट्रन्स शिफ्ट होते हैं ठीक है मतलब जैसे प्लांट्स अगर ग्रो हो रहे हैं तो उसमें लग जाएंगी न्यूट्रन जितने भी होंगे जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा ठीक है फिर आएगा इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एन इंक्रीज इन द निश डिवेलपमेंट फोर्थ है ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द कम्पलेक्सिटी ऑफ द फूड वेब्स कि जो वुड वेब्स हैं उनकी कंप्लेक्सिटी डिक्लाइन होगी देखो सक्सेशन में तो जो ऑर्गेनिज्म वो इंक्रीज़ होते हैं तो डिक्लाइन क्यों होगा ये डिक्लाइन वाले जो भी हैं उनको क्रॉस कर देते हैं अब देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड को इलिमिनेट करके फर्स्ट और सेकेंड को इलिमिनेट कर देंगे फर्स्ट यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है ठीक है तो ऑप्शन सेकेंड को नहीं एलिमिनेट करना था हमने करना था

हैदराबाद में न्यू दिल्ली में उड़ीसा में या मणिपुर में सो इसका करेक्ट ऑप्शन आई थिंक हैदराबाद में है सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर हाँ बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पर चलते हैं इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकॉनमी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इकोलॉजी इज परमानेंट इकॉनॉमी दिस स्लोगन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है तो इकोलॉजी परमानेंट इकोनॉमी है ये स्लोगन किसके रिलेटेड है चिपको मूवमेंट के रिलेटेड है नर्मदा बचाओ आंदोलन अपिको मूवमेंट या नन ऑफ दैम ठीक है सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए होगा ये चिपको मूवमेंट के रिलेटेड है सो so, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है चिपको मूवमेंट बिगिन इन द नाइनटीन सेवेंटीज़ इन उत्तराखंड कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि चिपको मूवमेंट कहाँ पर स्टार्ट हुआ था तो उत्तराखंड में हुआ था और सम पार्ट ऑफ द यूपी में भी हुआ था इट वॉज़ ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट बाई सुंदरलाल भागुना इनिशिएटेड द चिपको मूवमेंट एंड गेव द स्लोगन ठीक है और ये स्लोगन भी किसने ही दिया है सुंदरलाल भागुना जी ने ही दिया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्क्रीन दैट विच सेक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड टू डिफाइन द टर्म बायोडाइवर्सिटी ठीक है तो बायोडाइवर्सिटी को कौन से सेक्शन डिफाइन करती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड टू की ठीक है सो सेक्शन यहाँ पे जो आएगा वो सेक्शन टू बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी एन एलिमेंट प्लेइंग एन इम्पॉटेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ ठीक है जो एलिमेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है मगर प्लांट्स एज सच उसको डायरेक्टली uh, इन्हेल नहीं कर सकते हैं तो इस तरह के जो सिम्बियोटिक या आप बोल सकते हो वो लेग्यूम्स में जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को और फिर वो उनको नाइट्राइट या नाइट्रेट की फॉर्म में उनको अवेलेबल रहता है सो so यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मॉलीबिडनियम ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन हेयर ओके और मॉलिबिडनियम के साथ साथ कुछ और आयरन एलिमेंट्स है जैसे आयरन हो गया विनेडियम हो गया ये भी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में ओके सो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इज विच जोन ऑफ द पॉन्ड लेक इको सिस्टम डज नॉट रिसीव लाइट ठीक है पॉन्ड या लेक इको सिस्टम का कौन सा जोन है जहाँ पे लाइट नहीं पहुंचती है ठीक है क्या वो लिटरल जोन है लिमिनेटिक जोन है प्रोफोमडल जोन है या एपी जोन है ठीक है तो कौन सा जोन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा और आप खुद इस फिगर से पता लगा लेंगे कि क्या क्या जोन होते हैं देखो ये कोई पॉन्ट है तो यहाँ पे आपको लिटरल जोन मिलेगा यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो कि शोर के ठीक है किनारे के पास जो, जो जोन होगा उसको हम लिटरल जोन में लेंगे उस पर देखो डायरेक्टली सनलाइट आ रही है फिर बात करते हैं लिम्नेटिक जोन की जो ऊपर वाला पानी का हिस्सा होता है जहाँ पे डायरेक्ट सन रेज पहुँचती है उसको लिमनेटिक जोन बोलते हैं और प्रोफोर्न जोन देखो लिम्नेटिक जोन के नीचे और उसके नीचे एक और जोन होता है दैट इज़ द बेंथिक जोन जो कि बिल्कुल बॉटम में होता है ठीक है तो यहाँ तक देखो लाइट आ रही है और ये प्रोफोन जोन जो हमारा आंसर था फिगर देख लेंगे आपको पूरा यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स दैट आर फाउंड इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ठीक है अभी हमने बॉटम ऑफ द पॉन्ड देखा तो कौन सी तरह के डिकम्पोजर वहाँ पाए जाते हैं क्या फाइटो प्लैंगटेन पाए जाते हैं फ्लैजलेस पाए जाते हैं जू प्लैंकटन पा जाते हैं जेली फिश पाए जाते हैं ठीक है सो फाइटो आपको पता है ये प्रोड्यूसर होते हैं एक तरह के जिनके ऊपर फीड करता है जू प्लैंकटॉन ठीक है तो ये इनके प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं और सो तो इस पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फ्लैजलेट्स ओके ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन हियर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन कांस्टोवेंट ऑफ बायोगैस देखो बायोगैस मैंने अभी अब जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस पढ़ाया था वहाँ पर भी था जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी जो भी सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी टॉपिक था वहाँ पे मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था बायोगैस वाला वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या जिस भी एग्जाम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है सोर्स ऑफ एनर्जी आता है तो वो लेक्चर आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो बायोग बायोगैस में सॉरी बायोगैस में जो मेन कंपोनेंट होता है वो आपको पता है कि मिथेन होता है तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए रहेगा मिथेन बी रहेगा का, कार्बन डाइऑक्साइड सी रहेगा बोथ ए एंड बी या डी रहेगा इथेन ठीक है मेन कॉन्स्टोडेंट की बात करें तो देखो यहाँ पे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही मेन कॉन्स्टोडेंट होते हैं तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं दिया होता तो हम ऑप्शन ए के साथ ही जाते सिर्फ मीथेन के साथ जाते ठीक है अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए ऑप्शन को देखिए फिर आंसर माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच ऑर्गनिज्म कैरी आउट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डेटिटर्स ठीक है तो डेटिटर्स का फ्रेगमेंटेशन ठीक है जो भी डेड कहीं मैटर होता है ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका जो है फ्रेगमेंटेशन कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं क्या स्पॉन्जिस करते हैं वर्टिप्रेट्स करते हैं डेटरीफोर्स करते हैं है. ये जू प्लैक्टॉन करते हैं ये जू प्लैक्टॉन नहीं करेंगे अभी मैंने आपको पढ़ाया ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं अक्वेटिक इको सिस्टम में सो so, यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डेटरी वोर्स जो है वो फ्रेगमेंटेशन करते हैं डेटर्स की ठीक है और उसको सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं वट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव इंजॉय बाई डिकम्पोजर्स टू कन्वर्ट इन सॉलूबल कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मालिक्यूल इंटू सिंपल सॉलबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स ठीक है of of simple, soluble, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है जहाँ पे जो डाइजेस्टिव इन्जाइम्स होते हैं डिकम्पोजर्स की वो कन्वर्ट करते हैं जो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम जर्ली पढ़ते हैं उनको कहाँ पे कन्वर्ट करता है वो सॉल्युबल इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है ठीक है तो वो प्रोसेस को क्या कहते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं हम कैटाबॉलिज्म जहाँ पे भी इन्जाइम इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे कैटाबॉलिज्म बोलेंगे ठीक है तो ये स्टेप है एक डिकम्पोज uh, डिकम्पोजिशन uh, का अगर आपने एन सी आर टी पढ़ होगी वहाँ पर है आपका फ्रेगमेंटेशन है एक स्टेप ठीक है उसके बाद है आपका लीचिंग है उसके बाद कैटाबॉलिज्म है उसके बाद है आपका ह्यूमिफिकेशन और उसके बाद है मिनरलाइजेशन ठीक है ये पांच स्टेप है डिकम्पोजिशन के तो उन्हीं में से ये कैटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहा था अब बात कर देते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से आपको मिलेंगे या तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड तो पक्का होंगे ठीक है जो भी कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं उनको ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हम बोलते हैं और इनऑर्गेनिक में जैसे मैग्नीशियम हो जाएगा आयरन हो जाएगा कोबाल्ट हो जाएगा जिंक हो जाएगा जो भी हमें uh, रॉक्स वगैरह से चीज़ें मिलती हैं वो इन ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स में आएँगे ठीक है सो ऑप्शन है यहाँ पे कौन सा माँ किया हमने ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है कैटाबॉलिज्म क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स ऑन योर स्क्रीन दैट द परकुलेशन ऑफ द सालुबल सब्सटांसिस फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन कार ठीक है तो जो सालूबल सब्सटांस अभी हमने पढ़ा कि जो इन्जाइम्स कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक सॉलुबल सब्सटांस में तो जब उनका परकुलेशन होता है धीरे धीरे वो जब इन सॉलू सॉरी सॉलुबल जो इनऑर्गेनिक मालिकूल्स है जब धीरे धीरे वो सड़ गल के जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका सड़ गल के वो नीचे चले जाते हैं मैग्नीशियम uh, हो जा हो गया जिंक हो गया कोबाल्ट हो गया जो भी हो गया जब वो धीरे धीरे जमीन में जाने लगते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ठीक है मैंने अभी आपको स्टेप पढ़े प्राय डिकम्पोजेशन के वो है लीचिंग तो लीचिंग में क्या होता है जो सॉलबल सब्स्टिस होते हैं वो परकुलेट करके सॉइल के ओरिजन में चले जाते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का ऑप्शन है बी क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन विच सबस्ट आर फॉर्म्ड अलॉन्ग विद ह्यूमस ड्यू टू डिकम्पोजेशन प्रोसेस ठीक है तो ह्यूमस के साथ और कौन सा सबस्टांस बनता है ठीक तो है, 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 है तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है मिनरल बनते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं फ्रेगमेंट्स बनते हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ही टूट के ये ह्यूमस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर और ठीक है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की यहाँ पे एग्जाम्पल uh, दी हुई है जैसे आयरन कोबाल्ट पोटेशियम सेलेनियम ठीक है ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं uh, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन अभी आपने अगर ये भी क्वेश्चन जो मैंने बोला कि कितने स्टेप होते हैं आपने ध्यान से सुना होगा सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा पांच मैंने आपको बताए हैं मैंने लिखे भी हुए है, हैं आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी फ्रेगमेंटेशन लीचिंग कैटाबोरिज्म ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन रिलेशन इसी तरह ये स्टेप वाइज होते हैं ये पहला स्टेप है दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पिकॉक्स ईट स्नेक्स दैट ईट फ्रॉग्स फ्रॉग्स इन टर्न ईट द लीव्स ऑफ द प्लांट दिस द पिकॉक इज ठीक है तो आपको एक तरह का फूड चेन दिया हुआ है सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं प्लांट्स ले लेते हैं बिकॉज आपको पता है ये प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट्स को कौन खा रहा है फ्रॉग्स खा रहे हैं और फ्रॉग्स को कौन खा रहा है स्नेक खा रहा है और स्नेक को कौन खा रहा है पिकॉक ठीक है ये प्रोड्यूसर हो गया वह प्राइमरी कंज्यूमर हो गया सेकेंडी कंज्यूमर हो गया टर्सरी कंज्यूमर हो गया तो यहाँ पर देखो प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होगा पिकॉक सेकेंडी कंज्यूमर नहीं होगा डिकम्पोजर तो बिल्कुल भी नहीं होगा ऑप्शन डी द अपैक्स ऑफ द फूड पेरावेट ठीक है सबसे ऊपर जो बैठा है वो यहाँ पे पीकॉक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वट इज द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंटायर बायोस्फेयर पूरे बायोस्फेयर की टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है वन सेवेंटी बिलियन पर टन वन सिक्सटी फाइव बिलियन टन वन सिक्सटी बिलियन टन या वन फिफ्टी फाइव बिलियन टन ठीक है तो क्या होगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वन सेवेंटी बिलियन टन ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ड्राई वेट हम क्यों लेते हैं बिकॉज आपको पता है अगर हम उसको वेट लेंगे तो वो जो आ, मास है वो चेंज होता रहेगा ठीक है कभी ड्राई मतलब जो पानी का कंटेंट है कभी अगर वो इवेपोरेट कर गया तो वो कम हो जाएगा इसलिए हम ड्राई वेट लेते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम ओह ये रिपीट हो गया ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है इसको मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू एनर्जी स्टोरेज एट द कंज्यूमर लेवल इस कार ठीक है जब कंज्यूमर लेवल पे एनर्जी स्टोरेज होती है उसको क्या बोलते हैं नेट प्रोडक्टिविलिटी बोलते हैं बिल्कुल नहीं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविलिटी बोलते हैं एन पी पी बिल्कुल भी नहीं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये तो बिल्कुल भी नहीं है इसका ऑप्शन क्या होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगा ठीक है ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इज ऑन योर स्क्रीन मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ वेट सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ठीक है इनमें से आपने बताना है कि क्या स्टेटमेंट सही है इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन आसान ही होगा ओके okay? सो so, सबसे पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेटेटस इज रिच इन लिगनिन ठीक है तो डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो स्लो होगा मगर डिकम्पोजिशन जो हो रही है वो आहिस्ता आहिस्ता होगी अगर डेटेटस ठीक है जो ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा सा सड़ा गला है अगर वो रिच है लिग्निन में आपको पता है लिग्निन कितना स्ट्रांग कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है प्लांट्स का और काइटिन में एंड क्विकर और डकम्पोजिशन फास्ट होगा अगर डायटेटस रिच है नाइट्रोजन में और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में लाइक शुगर्स में ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर अगर डिकम्पोजिशन जो ऑर्गेनिक मैटर है हमारे पास अगर वो रिच है लिग्निन में स्ट्रॉन्ग मटेरियल टफ मटेरियल में, में काइटिन में तो वो क्या होगा डिकम्पोजिशन का रेट स्लो हो जाएगा डिकम्पोजिशन आहिस्सा आहिस्ता होगी मगर अगर वही नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है तो जो डिकम्पोजिशन है वो रेट ट्रू होगा मतलब जल्दी होगा ठीक है क्विक होगा सो ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट हमें मिल जा रहा है बाकी आप पढ़ लीजिएगा बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन हीयर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर वट आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन थ्रू दियर इफेक्ट्स ऑन सॉयल माइक्रोव ठीक है तो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स है जो कि डिकम्पोजिशन के रेट को रेगुलेट करते हैं क्या टेम्परेचर और रेनफॉल है टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है टेम्परेचर और प्रेशर है देखो इसको तो बिल्कुल ही क्रॉस कर दो इसका क्या असर ठीक है तो ह्यूमिडिटी और सॉयल मॉइस्चर में आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे मगर ह्यूमिडिटी से ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर है टेम्परेचर एंड द सॉइल मॉइस्चर अगर सॉइल सॉइल मॉइस्ट है और टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म है ह्यूमिड सा है तो डिकम्पोजिशन जो है वो बेहतर होगी ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव इज ऑन योर स्क्रीन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प इन न्यूट्रिन कंजर्वेशन कौन सा प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिन कंजर्वेशन में हेल्प करता है मिनरलाइजेशन नीचिंग नाइट्रिफिकेशन या इमोबलाइजेशन ठीक है सो so, देखो ये जो इमोबलाइजेशन है ये मिनरलाइजेशन का उल्टा है मिनरलाइजेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक सबस्टांस में टूट रहे हैं ठीक है ऑर्गेनिक जो मैटर है जब वो इनऑर्गेनिक सबस्टांस में टूट रहा है तो वो जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं हमारे आयरन हो गया जिंक हो गया वो ज़मीन में चल जाते हैं इमोबलाइजेशन में क्या होता है वो प्लांट्स दोबारा उसको टेकअप कर लेते हैं और अपनी जो प्रोसेस में लगा लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इमोबलाइजेशन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स ऑन योर स्क्रीन दैट ईच टॉपिक लेवल हैज़ ए सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज ठीक है हर एक टॉपिक लेवल पे हर एक जो लिविंग मटेरियल है उसका एक क्या होता है एक मास होता है सर्टन मास होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे तो उसको हम क्या बोलते हैं कैटाबोलिज्म बिल्कुल भी नहीं ये तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं ठीक है तो आई होप इसका आंसर आप मार्क कर रहे होंगे और इसका आंसर अगर मैं चाहूँ तो बी के साथ जाऊँगी ऑप्शन बी यहाँ पर स्टैंडिंग क्रॉप उसको कहेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन इज ऑन योर स्क्रीन दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टर इन शेप ठीक है तो कौन से कौन से कौन सा जो पिरामिड है वो इन्वर्टर इन शेप होता है पौन्ड इकोसिस्टम ग्रास इकोसिस्टम फॉरेस्ट इको सिस्टम या डी नन ऑफ द वर्ल्ड ठीक है सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पौंड इको सिस्टम ये मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ यहाँ पे देख लीजिए आप देखो पौंड में क्या होता है फाइटो प्लैंक्टॉन होते हैं ठीक है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको खाता है जू प्लैंक्टॉन जू प्लैक्टॉन को स्मॉल फिशेस खाती है स्मॉल फिशेस को लार्ज फिश खाती हैं तो ये आता है हमारा इन्वर्टेड पिरामिड बायोफास ठीक है तो वो क्या होता है जू प्लैंक्टॉन का जो मास होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉरी फाइटो का जो मास होता है वो ज़ू प्लैक्टॉन से कम होता है और uh, उसके रिटर्न में जो स्मॉल फिश है उनका जो मास है वो ज़्यादा होता है और लार्ज फिश का फिश का जो मास है वो और भी ज़्यादा होता है ठीक है इसलिए ये इन्वर्टर इन द शेप बना है सो क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट इज ऑन योर स्क्रीन डट द हाइस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व आर फाउंड इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया ठीक है तो टाइगर्स भी बड़े न्यूज़ में रहते हैं सो so सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है सो ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में है ओके okay? क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन इज ऑन स्क्रीन दैट टीक इज द डोमिनेट स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट ठीक है तो टीक जो डोमिनेट स्पीशीज है वो कौन से फॉरेस्ट की है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट ठीक है जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी होगा ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इज ऑन योर स्क्रीन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द कार्बन साइकिल ठीक है कार्बन साइकिल के रिगार्डिंग हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है मैंने थोड़ा रंगीन किया ताकि आप बोर ना हो सो कार्बन साइकिल इन्वॉल्व हुए कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ कार्बन बिटवीन द एटमोसफेयर एंड ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सही है कार्बन में क्या होता है देखो हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ठीक है हम सांस के साथ छोड़ते हैं और कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल से कार्बन रिलीज होता है ठीक है तो ऑर्गेनिज्म से एटमोसफियर के से ये एक्सचेंज होता रहता है कार्बन साइकिल में सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन मूव्स टू ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम द एटमोसफेयर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड देन टू एनिमल्स ठीक है बिल्कुल सही है कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर जो प्लांट्स को एनिमल खा लेते हैं तो इस तरह से कार्बन प्लांट से होता हुआ एटमोसफेयर से होता हुआ प्लांट्स में गया प्लांट्स से होता हुआ एनिमल में चला गया ठीक है ऑप्शन वन और टू बिल्कुल सही है ठीक uh, है ऑप्शन टू कहाँ पे नहीं है यहाँ पे ऑप्शन टू नहीं है बाकियों में तो है चलो ऑप्शन थ्री भी देखना पड़ेगा हमें बाय प्रोसेस ऑफ ट्रेस्परेशन एंड टिकन ऑफ द डेट ऑर्गेनिक मैटर इट रर्नस बैक टू एटमोस्फेयर हाँ जब रेस्पायर करते हैं जब डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का तो भी कार्बन रिलीज होता है सो so, बिल्कुल सही ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फिफ्टी वन ऑन योर स्क्रीन सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू विच ऑफ दलविंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग लेक्स एज डिफाइंड बाय द नैशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम ठीक है एन एल सी पी ने डिफाइन किया है कुछ लेक्स के रिलेटेड क्राइटेरिया तो वो कौन सा सही है वो आपने चेक करना है ठीक so, है सो ऑप्शन ए है स्टेटमेंट वन है मिनिमम वाटर डेप्थ इज़ फाइव मीटर कि जो लेक की डेप्थ है गहराई है वो पाँच मीटर होनी चाहिए कवर ए वाटर स्प्रेड ऑफ मोर देन टेन हैक्टेयर टेन हेक्टेयर का एरिया कवर करनी चाहिए और हैव नो आर वेरी लिटिल मैक्रो ठीक है बहुत कम एक्वाटिक लाइफ वहाँ पे मैक्रो होने चाहिए सो so, यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन वन गलत है बिकॉज मिनिमम वाटर डेप्थ एक लेक की थ्री मीटर होनी चाहिए ना कि फाइव मीटर तो वन जहाँ पे भी है उसको क्रॉस कर दो सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा बाकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री ऑन योर स्क्रीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एटन पिक्चर प्लान ठीक है पिक्चर प्लांट के रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है इट्स साइंटिफिक नेम इज निपथिस एट इन इट इज़ द स्पीशीज ऑफ कार्निवोरस पिक्चर प्लांट बिल्कुल सही ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट बी सॉरी द आई यू सी एन स्टेट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ट कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ट है तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा देखो बाकी आपको कुछ पता हो या ना हो मगर ये पता है कि ये कार्निवोरस होता है ऑप्शन टू इस बिल्कुल सही है सो ऑप्शन टू जहाँ पे भी नहीं है उसको क्रॉस कर दो आप दो ही स्टेटमेंट रहे या तो टू और थ्री सही है या की तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है ठीक है आप क्या बोल रही है पब्लिक किसके साथ जाएँगे कौन से ऑप्शन के साथ जाएँगे कौन सा ऑप्शन हम लॉक करेंगे सो ऑप्शन डी के साथ मैं चाहूँगी आप बता दीजिएगा आपने क्या आंसर माफ किया था किया था चीटिंग बिल्कुल मत कीजिएगा ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव ऑन योर स्क्रीन अब बस पाँच ही क्वेश्चन बचे हुए हैं विच आर्टिकल ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अशोर द सिटीजन ऑफ इंडिया द राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट ठीक है तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट right देता है कि आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट पे रहने का राइट right है बिल्कुल ठीक है पोल्यूशन में रहने का बिल्कुल राइट right नहीं है आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल ट्वेंटी ठीक है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स में आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द ईयर पोलूशन ईयर पोलूशन का इंडिकेटर क्या है साइकस है एल्गे है ब्रायोफाइट्स है या लाइकस है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है लाइकन्स होते हैं पोल्यूशन का इंडिकेटर फिफ्टी सेवन प्रिजर्वेशन ऑफ द बायबल मटेरियल ऑफ इन स्पीशीज की जो जिंदा मटेरियल ही है मतलब लाइव है अभी ठीक है जो इंडेंजर स्पीशीज़ है उनका बायोबल मटेरियल हो गया जैसे कोई एग हो गया ठीक है उनका जो भी इंडेंजर स्पीशीज है उनका आप एग रख सकते हो स्टोर करके ताकि जब ये ख़त्म हो जाए या खत्म होने के कगार पे हो तो उनसे हम लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट करके वो जनरेट कर सके सो क्या बोलते हैं उसको जहाँ पे ये प्रिजर्वेशन होता है सो उसको बोलते हैं जीन बैंक या जीन पूल क्या बोलोगे आप क्या बोलेगी पब्लिक किसके साथ जाएंगी मैं जाऊँगी ऑप्शन फोर के साथ आप बता दीजिएगा आपने क्या आंसर माँ किया था क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट ऑन योर स्क्रीन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस कम अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कौन कौन सी प्लेसेस आती है सर so, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन टू नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट कौन सी पहली स्टेट है जो कार्बन फ्री स्टेट बन गई है हिमाचल हिमाचल प्रदेश बन गई है कार्बन फ्री स्टेट ऑप्शन थ्री और लास्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था बताइए जरा ऑप्शन टू के साथ हम जाएंगे नाइनटीन नाइन्टी टू में ओके चलिए ये थे कुछ क्वेश्चंस आई होप आपको इनसे कुछ हेल्प मिलेगी और आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर पाएंगे सो so, आपने वीडियो को लाइक करना है अगर आपको पसंद आती है और आपको इससे कोई भी बेनिफिट मिलता है ठीक है और कमेंट कीजिए शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा बच्चों तक तो ये पहुँचे और कमेंट करके फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा क्या क्या इम्प्रूवमेंट और होनी चाहिए इसमें ठीक so, है सो चलिए बाय टेक केयर अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए